अगर लोगों के चालान कटवाएंगे तो फिर तभी सुधरेंगे। यस। Hi guys, welcome to my new vlog. Happy International Dog Day. I hope you all are doing good today. Rusty घूम रही है अंदर। Stay winter. दरवाजे बंद है ना? वो देखना मेरे go बोलने पे ही भागेगा। Go. चल चल के rabbit. रस्टी आ गई तो खेलने को मिल जाता है इसको इसके साथ, नहीं तो मुझे ही भागना पड़ता था। बस अभी अगस्त भी ख़त्म होने वाला है, मौसम ठंडे होने का इंतज़ार है, फिर हम काफ़ी खेलेंगे। अभी लाइट जलेगी टंग। आई होप सितंबर एंड तक थोड़ा ठंडा हो जाएगा मौसम, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये 7 महीने शांति से गुजरेंगे ठंडे ठंडे मौसम में। ठंडे मौसम में रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता, क्योंकि आराम से हम लोग खेलते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कैसे मैनेज करना है। हिमाचल विमाचल में जगह देखेंगे कोई गर्मियों के लिए। बाकी पार्क की हालत आप देख ही रहे हैं, काफ़ी प्लास्टिक पत्ते वत्ते 1 महीने से यहाँ पे गिरे पड़े हैं और सफाई नहीं हुई है यहाँ पे 1 महीने से। चलो अभी पापा से बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस मामले में। अच्छा पापा, पार्क का कुछ सफाई का बात हुई है कोई हॉर्टिकल्चर वालों से? पार्क की बात रोज ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ उनको व्हाट्सएप फोटोग्राफ्स भेजते ही हैं, क्योंकि 1 महीने से आए नहीं ना वो लोग झाड़ू वाड़ू। हाँ वो जवाब भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं दे रहे, मुझे लग रहा है कि शायद वो कुछ और कामों में ज्यादा ऑक्यूपाइड है, या मे बी बिकॉज ऑफ रेन्स उनको लगता है फिर गन पड़ जाएगा, तो शायद उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी पीछे का तो जो है सो है, चलो काफी कुछ उन्होंने एक्शन लिया। आगे देखा आज जहाँ से टाइल्स वाइल्स हटवाई है, पत्थर पड़े थे ना 4 बजे कोई आदमी वहाँ, कमोड और सिस्टम पुराना टूटा हुआ और कुछ अपने घर का कचरा वचरा की कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, रिपेयर करवाया होगा, फेंक गया। क्या समझाए इन लोगों को, तो कैसे किसी के घर के सामने तुम कूड़ा डाल सकते हो? कैमरा वैमरा लगाने पड़ेंगे फिर हमें आगे पीछे दोनों जगह। हाँ तो वही करना पड़ेगा, क्योंकि 2-4 लोग आस पड़ोस से पूछा ना कि देखा तो आपने रोका नहीं, तो उन्होंने बोला सर ये सुबह 4 बजे कोई फेंक के गया होगा। हाँ क्योंकि सामने तो जो कोई फेंकते तो हम एकदम भूल देते हैं, तो हमें लग रहा है कि कैमराज वगैरह हमें आगे पीछे लगाने पड़ेंगे, 2-4 लोगों के चालान कटवाएंगे तो फिर तभी सुधरेंगे, और कोई चारा नहीं। 23 अगस्त को मम्मी का बर्थडे था तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, और 50,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए मम्मी के, तो दोनों के लिए केक कट गया है वाला। एक बार मिक्स फ्रूट में मंगवा रही थी आज, फिर लास्ट में मंगवाया था तो याद है। ये पहली क्लैपिंग करने लग गया। बाबू 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 दादा दादा इधर 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 आ जाओ भाई, उधर बर्थडे बॉक्स है। हां केक के ऊपर थोड़ी सी क्रंची रखी है, उस पे थम्मा लिखा हुआ है भाभी ने। आज इस घर को संभाल के रखने वाली जननी का जन्म हुआ था। क्लैपिंग कर दी, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। मशरूम है और लंबी चाकू लाई है।
लंबी वाली दूसरी है, वेज है। अच्छा गरम गरम खा ले। सॉफ्ट ड्रिंक तो कुछ होनी चाहिए। मानी उसका हाथ चाट रहा। देख ने खाई वेज पैटीज, एक मशरूम वाली और एक आलू वाली। काफ़ी टेस्टी पैटीज थी। जो अब सोफे पे भी चढ़ जाता खुद, आई थिंक उसकी हाइट भी लंबी हो गई है पहले से ना। और ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। कीचू कभी कभी क्या करता है कि जब मेरे रूम का दरवाज़ा खुला होता ना, मैं काम कर रहा होता हूँ, तो कीचू धक्का मार के एकदम अंदर आया था। बंद हो गया कीचू अंदर। विंटर को लगता है कि कीचू खेलेगा उसके साथ। क्या करता है विंटर की आदत है, वो टॉय लाता है, थोड़ी देर पकड़ के खड़ा हो जाता है। वो चाह रहा है कि मेरे साथ खेलो, अगर उससे आप टॉय ले लो तो वो फिर पुल करेगा और नहीं लो उससे टॉय तो ना, वो टॉय छोड़ के ना आपके सामने खड़ा हो जाएगा, टॉय को देखता रहेगा और वेट करेगा कि आपको टॉय उठाओगे, फिर वो उस टॉय को पकड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा शैतान डॉगी है ये भी। किचू ने नहीं पुल किया ना तो वो अब जाके अपना बैठ गया। किचू जब भी मेरे रूम में आता ना, एसी का बटन है जो मेन स्विच होता है ना एसी का, उसको ऑफ कर देता है। तो आज मैंने उसको मना किया ना, जैसे नो बोला तो मम्मा ऐसे बोलता है और फिर वो रोने वाली शक्ल बनाता है। मतलब बेसिकली वो कंप्लेंट कर रहा है अपनी मम्मी को कि मेरे को मना कर रहे हैं। आज मेरी चेयर पर मैंने बिठाया उसको, देखो कैसे, देखो विंटर कैसे साइड से आँख मार रहा है, टेढ़ी आँखों से देखता है। देखो थम्मा मम पिला रही है किचू को। मम्मी के बर्थडे के अगले दिन भैया ने उनको बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया किचू की तरफ से। अच्छा तभी तू कैमरा लेके घूम रहा है। मम्मी का गिफ्ट आ चुका है, न्यू ब्रांड फायर स्टिक, क्योंकि अभी जो था इसका रिमोट खराब हो गया तो मम्मी फोन से करती थी तो वो 25 बार डिस्कनेक्ट होता है। अब ये नया वाला मंगवा दिया मैंने यूनिवर्सल रिमोट के साथ। शक्ल देखो रिमोट की, इसमें से पेंसिल सेलर का गिफ्ट कैसे लगा तू? थैंक यू किचू। था आईफोन से बात कर रहा किचू। तो पापा तालियां इसलिए बजा रहे हैं, किचू नॉर्मली क्या करता था ऐसे लटक जाता था इस पर ना, लटका रहता था थोड़ी देर फिर ऊपर चले जाता था। तो इस बार इसने क्या किया, चद्दर पुल करते 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 उसने पैर अपने नीचे टच करा लिए और वो नीचे आ गया और फिर बहुत सारी क्लैपिंग हुई। नमस्ते, बढ़िया, कैसा रहा आपका ट्रिप? नाना बोल रहे हैं। अच्छा नानू, नानू को नमस्ते किया? नमस्ते नानू, नमस्ते नानू, और इधर दीदी का दीदी सब इन्हीं के घर में हाँ तो पीछे बैठ गए मिला ना तुझे। कल रात को भैया वॉक पे गए थे नीचे आके काफ़ी टाइम बाद, मैं भी आ गया फिर बाहर विंटर को लेकर, वॉक करी हमने, बातें करी। फिर फनी चीज़ ये हुई कि ये डॉग है ना दो, एक पहले मैं आपको पहले भी दिखाया था एक डॉग, ठीक है, तो वो भौंक रहा था आज विंटर में, देखो अभी आएगा वो डॉग।
ये देखो डॉग आ गया। ओए इस चीज का गुस्सा है इसको, अपना ऐसे कान लगा के खड़े कि क्या कह रहा है भाई, कान में कुछ कह रहा है भौंक के, कुछ नहीं बोल रहा है, इंटर उसको चुपचाप सुन रहा है बस। ये मेल मेल है ना दोनों, वो मेल डॉग है और उसके साथ जो है वो फीमेल डॉग है, छोटी है वो, इसलिए भी हो सकता है वो दूसरा डॉग उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे भौंक रहा है। आपस में कॉम्पिटिशन हुआ था ना इनका, मेल मेल का, क्योंकि ओनर्स उसको पुल कर रहे थे ना तो वो ज़्यादा भौंक रहा था, उसके बाद हल्का सा छोड़ा था वो भौंकना उसने थोड़ा कम कर दिया, डॉग ऐसा करते हैं। तो फिर वो जो फीमेल डॉग थी छोटी वाली उसको वो अंदर ले आए और विंटर से मिली, वो बेचारा बाहर से देख रहे हैं। बस अभी विंटर के पैर धुलेंगे फिर विंटर जाएगा अंदर। चलो गाइज आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलते हैं। गुड नाइट।